तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी GTA 5 के FPS को दुगना कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मतलब डिफॉल्ट सेटिंग पे GTA 5 खेलते हैं और उनको बहुत ही कम FPS मिलते हैं। जैसे मैं भी डिफॉल्ट सेटिंग पे खेलता था तो मुझे 30 से 40 FPS मिलते थे, ठीक है। तो गेम का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं था, ऑब्वियसली 30 से 40 FPS पे उतना अच्छा नहीं रहता। तो बाद में मैंने सेटिंग चेंज की तो मुझे 60 से 70 FPS मिलने लगे और मेरा गेम बहुत ही स्मूथ हो गया। तो वही सेटिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और मैं सिर्फ आपको बातों में ज्ञान नहीं छोड़ूंगा, आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। तो चलो यार सीधा गेम के अंदर चलते हैं, मैं आपको बताता हूं मैंने कौन सी सेटिंग की थी और उससे मेरी गेम को कितना फर्क पड़ता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो हम गेम के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को डिफॉल्ट सेटिंग क्या क्या मिल गया ग्राफिक्स की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी डिफॉल्ट सेटिंग कौन सी है। कुछ कुछ तो हाई और वेरी हाई भी हो रखा है, लेकिन मेरे को डिफॉल्ट यही मिलती है और इससे FPS मेरे को 30 से 40 FPS मिलते हैं। ठीक है, मुश्किल से नहीं, मतलब 30 तो आराम से मिल जाते हैं, 40 कभी कभी जाते हैं। तो यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता मेरे को गेम का। तो चलो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको कि कितने FPS मिलते हैं, फिर बाद में आपको वो सेटिंग बताऊंगा कि जिससे मेरे FPS अच्छे हुए और गेम का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ। 2 seconds later. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं गेम के अंदर और FPS का हाल तो आप देख ही सकते हो यार, 30 के आसपास हमको FPS मिल रहे हैं, 30 से लेके 40 के बीच में रहते हैं नॉर्मली मेरे। लेकिन अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए 30 के भी नीचे ही जा रहे हैं, अभी तो बुरा हाल है। ये बहुत ही कम FPS आ रहे हैं और परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा है हमको। लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं कौन सी सेटिंग अप्लाई की है, मैंने कौन सी सेटिंग की है, उससे मेरे 60 से 70 FPS आराम से मिल जाते हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी मिलती है। और उसके साथ अगर मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ तो अच्छी खासी क्या हो जाती है यार, मतलब लाइव देखने को नहीं मिलता। तो चलो यार अभी मैं बताता हूँ आपको कौन सी सेटिंग करनी है जिससे आपके अपने फिक्स हो जाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो मैंने क्या क्या चेंज किया सेटिंग्स में, ग्राफिक्स सेटिंग्स में। सबसे पहले तो हमको DirectX वर्जन जो है वो DirectX 10 कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन टाइप फुल स्क्रीन ही रखना है, आपने विंडो नहीं करना है, फुल स्क्रीन पे चलाना है, उससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और जो रेजोल्यूशन है वो आपने अपनी डिस्प्ले का रखना है, जितना भी आपकी डिस्प्ले का है। अगर आपको नहीं पता तो आप नॉर्मली डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन कितना है, ठीक है, उतना ही रखना है। जैसे मेरा 1920x1080 है तो मैं वही रखूंगा और जितना भी आपका होगा वही रखना है, ठीक है आपने। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो अपने आप वो ऑटो पे कर देना और रिफ्रेश रेट जितना भी उतना रखना। और अब नीचे आते हैं, ये FX, V-Sync और फोकस वगैरह सब कुछ बंद कर देना आपने, ठीक है। उसके बाद ये जो तीन चीजें हैं पॉपुलेशन, डेस्टिनेशन पॉपुलेशन, वेराइटी और डिस्टेंस स्केलिंग, ये सब कुछ आपने बिल्कुल ही कम कर देना है, ठीक है। इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता यार, कम करके रखो इसका, उससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छे FPS मिलेंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी वो ग्राफिक्स क्वालिटी जैसे उसको नॉर्मल पे रखना है, ठीक है। नॉर्मल पे रख के उसके बाद आपको सब कुछ नॉर्मल पे कर देना और सब कुछ बंद कर देना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके FPS अभी देखना, मेरे FPS आपको कितने अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन सब कुछ सेट करने के बाद स्पेस दबा के इसको सेव जरूर कर देना, रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, रिस्टार्ट कर लेना और अब देखना मेरे FPS कितने अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार 60 के आसपास FPS आ रहे हैं और 50 के आसपास रह रहे हैं, 50 से ऊपर, 50 और 60 के बीच में आ रहे हैं। नॉर्मली ये 60 से ऊपर आते हैं, अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए मेरे थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे यार 60 से ऊपर FPS मिल जाएंगे इतनी सेटिंग करने के बाद। और ज़्यादा आपकी कुछ ग्राफिक्स कम भी नहीं होंगे। अगर फिर भी आपके FPS कम आ रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे देता हूँ आपको, उसमें मैंने बताया कि हम कैसे अपने PC की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और उससे अपना PC थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आप अपने PC की परफॉर्मेंस को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपके कितने FPS इंक्रीज हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।